अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिश्रा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद से हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अभी आपके मसल्स वीक हैं, एकदम से खड़े होने पर नुकसान हो सकता है। आगे से आप बेहद आराम के साथ कदम रखने की कोशिश करेंगे, वो भी छड़ी के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, उस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे हमने छड़ी मंगवा ली है, इतनी सुबह सुबह आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा काम है गुड्डू जी। अच्छा, हम चलते हैं। ठीक है, जरा मैं बाहर तो भी चलना। थैंक गॉड, चलो डॉक्टर ने आगाह तो कर दिया, वरना बुढ़िया कहती कि रंजू की प्यार की वजह से हमारा बेटा एक दिन में ठीक हो गया। लकी विकी, वाह, कमाल का आइडिया दिया है तुम दोनों ने। उसने एक झटके में पूरे पैसे दे दिए। मिश्रा जी, देखिए, हमने एक झटके में हमारे बिजनेस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मिश्रा जी, आपने तो हमारे बेटों के खास आदमी शर्मा को झांसे में फंसा कर अपना बना लिया था ना? आपको उसके 50 लाख रुपए भी देने, कहां से देंगे आप? कहीं इन गरीबों के भरोसे तो आपने वादा नहीं किया था? कमाल करते हैं मिश्रा जी, आप ऐसे कच्चे खिलाड़ी निकलेंगे, हमने सोचा नहीं था। हमने जो कुछ भी सीखा है आप ही से तो सीखा है। आज आप ही के अंदाज में हमने बिजनेस किया है, आपके पुराने दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है। बहुत अच्छी बिजनेस डील क्रैक की हमने, पूरे 2 करोड़ रुपए लेकर हमने अपने प्रोजेक्ट को भी बचाया है और अपनी क्रेडिबिलिटी को भी। और आप जानते हैं सब कुछ किसने किया है? हमारे बेटों ने। लकी विकी, यही है जिनके बारे में आप कहा करते थे कि इन्हें बिजनेस की सेंस नहीं है, आज ये करोड़ों में खेल रहे हैं। और आप 50 लाख के चिल्लर की खनक सुन के तुच्छे से बिजनेस में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। ललिता जी, आप शायद भूल रहे हैं कि आपके पिता का भी तुच्छा सा बिजनेस था, जिसे हम इतनी मेहनत से बुलंदियों तक पहुंचाया था। और तभी तुमने हमारे बेटे पे डोरे डाल के उसे फंसा लिया था। छोड़ो अम्मा, अब पुरानी बातें क्या याद दिलाना। जी, जो 50 लाख का जो चिल्लर है ना, ये क्या कमाल दिखाता है, आप देखते जाइए। मिश्रा जी, हमने अभी अभी आपको बताया कि त्यागी हमारा बिजनेस पार्टनर है। शर्मा तो पैसों का लालची है ही, उसे तो आपको पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। अब पैसे लौटाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको गलत तरीका अपनाना पड़े। ललिता जी, अगर हम गलत तरीका अपनाएंगे ना, तो 2 दिन में आपको सीधा कर देंगे और 2 हफ्ते में शर्मा को। लेकिन हमने रंजू से वादा किया है कि हम कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। लेकिन ये भी तय है कि आप पर और आपके गुरूर पर हम जीत जरूर हासिल कर पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। आपको आपके बड़े बिजनेस मुबारक हो, हम अपने छोटे बिजनेस से ही वापस खड़े हो जाएंगे। देखते हैं। चलो, आज हमारे लिए खुशियों वाला दिन है, इसके मुंह नहीं लगना। या? चलो। Thank you.
क्या लिखा है? रंजू, दादी आप कहिए रंजू की बेटियां। बेटियां वही वही वही। इस घर ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है, तुम सब अपना काम इस घर से ही शुरू करना। हम लोग यहाँ किराए पे रहे, फिर गुडवा ने इसे खरीद के हमरे नाम कर दिया। फिर ललिता ने इसे हड़प लिया। आज के बाद ये घर हमारा है। ये घर शांति देवी का नहीं, अब हमारी मां के नाम पे है। और फिर ये वापस हम सबके पास आ गया। और वो घर राजन सिन्हा के नाम पर नहीं बल्कि रंजू मिश्रा के नाम पर है। जाकर ढूंढिए उस राजन सिन्हा को जिसने आपको चेक दिया है। यहां से हम काम शुरू करेंगे तो फिर हमको दुकान का किराया भी नहीं देना पड़ेगा और फिर तुम दोनों की पढ़ाई भी शांति से होगी।
जी दादी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन फिलहाल ये बोर्ड डिजाइन करने वाली हमारी इंजीनियर मैडम वो है कहाँ? हाँ माँ, हम भी आ गए। अरे वाह, अब हम सब यहाँ पे आराम से रह सकते। नहीं मुस्कान, हम यहाँ केवल पढ़ाई करेंगे और काम करेंगे, रहेंगे ललिता निवास में ही। हमारा वचन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और जब तक पूरा नहीं होता है हम वहां से निकलेंगे नहीं। एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।